सो वेल गाइज, आई एम श्योर कि एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपने भी कई बार म्यूजिक लेबल्स को अपने डेमोज भेजे होंगे, बट चांसेस यही है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उसमें नहीं आया होगा। आपके ट्रैक्स के ऊपर आपको कोई रिप्लाई, कोई रिवर्ट नहीं मिला होगा। आई हैव बीन वर्किंग विथ म्यूजिक लेबल्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, वो भी A&R डिपार्टमेंट में, और हर रोज़ मुझे भी काफ़ी डेमोज आते हैं आर्टिस्ट के टू गेट देयर सॉन्ग रिलीज ऑन द म्यूजिक लेबल्स। सो आई थॉट, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो फेस करते हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। आई एम गोना गिव यू फ्यू टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी आपके डेमोज के चांसेस बढ़ाने में, ताकि वो लेबल्स पे पहुंचे और आपको उस पर प्रॉपर रिवर्ट मिले और आपके डेमोस को सुना जाए। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, इन टिप्स के थ्रू इजीली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके सॉन्ग नोटिस में है, आपके डेमोस लेबल में जो एक्सेक्टिव है वो प्रॉपरली सुने और आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिले। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको रिसर्च करनी है लेबल्स के बारे में, जिस जॉनरे में आप अपना म्यूज़िक बनाते हैं आप उस जॉनरे के म्यूज़िक लेबल्स को फिगर आउट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हिप हॉप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप डेफ जैम इंडिया, फाउंड आउट, कलमकार, आर्टिस्तान, बंटे रिकॉर्ड्स जैसे हिप हॉप लेबल्स पे अपने डेमोज आप भेज सकते हैं। बट अगर आप एक पंजाबी सिंगर हैं, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट सिंगर हैं, या फिर आप पॉप या R&B टाइप के सॉन्ग्स बनाते हैं, तो आपके पास दूसरे लेबल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको ये चीज़ काफ़ी केयरफुली सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है कि आप सही लेबल पे, सही एड्रेस पे आप अपने म्यूज़िक के डेमोज को सबमिट कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, अब आपको जब अपने डेमोज भेजना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्पेसिफिक पर्सन को वो डेमोज भेज रहे हैं। नॉर्मली हर लेबल में A&R एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि इस तरह के डेमोज को सुनते हैं, तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको वो राइट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के नाम पता करने हैं और आपने उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजनी है। काफ़ी सारे ईमेल्स मुझे भी आते हैं जिसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, और लगता है कि उन्होंने स्पैम किया है, सारे लेबल्स को सेम ईमेल डाली है, तो उससे आपको टेंशन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कोशिश कीजिए कि आप नाम पता कीजिए वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसको आपको ईमेल भेजनी है, उससे एक पर्सनल टच आता है और साथ ही साथ आपके डेमोज को थोड़ा सीरियसली भी लिया जाता है, आपकी मेल्स को भी सीरियसली लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको इंडिविजुअल के नाम कैसे पता चलेंगे, तो आप इन लेबल्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन में, वहाँ पर आपको ईमेल्स मिल सकती है, नेम ऑफ द A&R रिप्रेजेंटेटिव्स मिल सकते हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाके पता कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन लेबल्स के कॉल करके आप उन लेबल से भी स्पेसिफिक पर्सन और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल फिगर आउट कर सकते हैं। और जब आप एक कस्टमाइज्ड ईमेल भेजते हैं इस तरह के A&R रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो पर्सनली उसको थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लेते हैं और आपके डेमोज को सुनने के चांसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मेल में EPK अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट देना है, और उसमें भी आपको अपने टिल डेट, आपको आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आपने अचीवमेंट क्या किए हैं, किस तरह के आपने म्यूज़िक बनाए हैं, कुछ अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स या फिर किसी और तरह के माइलस्टोन्स आपने अचीव किए तो वो आपको मेंशन करना है। बट इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कम से कम वर्ड्स में आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। लोकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये EPK अपनी ईमेल में भेजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह आ जाती है कि आपको मेल जब भी आप करते हैं तो मेल पे आपको कभी भी अटैचमेंट, अपने डेमोज जो आपके म्यूज़िक फाइल्स है एज एन अटैचमेंट, आपको कभी भी नहीं भेजने। कोशिश कीजिए कि आप साउंड क्लाउड जैसे वेबसाइट्स को यूज़ कीजिए, जहाँ पर इजीली बिना डाउनलोड किए भी आपके डेमोज को A&R रिप्रेजेंटेटिव इजीली स्ट्रीम कर सके, सुन सके, उससे आपका काम, आपका फ्लो जो है वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब आपको ईमेल सेंड कब करना है, विच इज़ द राइट डेट टू सेंड योर डेमोज। मंडे सारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, फ्राइडे सैटरडे संडे भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द वीकेंड नॉर्मली आपके मेल्स इग्नोर हो सकती है, तो बेस्ट आपके पास जो टाइम है वो है बिटवीन ट्यूसडे टू थर्सडे। कोशिश कीजिए कि आप ट्यूसडे टू थर्सडे के बीच में ही अपने डेमोज इन A&R रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, और इसमें आपको फीडबैक मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आप ईमेल ट्रैकर जैसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगी क्या सामने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने आपके ईमेल को चेक किया है कि नहीं किया है। तो ईमेल ट्रैकर आपको वो फैसिलिटी वहाँ पर दे देता है, और कुछ फ्री ईमेल ट्रैकिंग वेबसाइट भी है जैसे कि CloudHQ, उसके थ्रू आप इजीली अपनी ईमेल के स्टेटस को जान सकते हैं कि सामने वाले ने कब आपका ईमेल देखा है, अगर नहीं देखा तो आप उसे अगेन एक रिमाइंडर ईमेल भी डाल सकते हैं। और गाइज, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप,
जब भी आप किसी लेबल को अपना म्यूज़िक भेजते हैं तो कोशिश कीजिए इंट्रोस्पेक्ट करने की और ये देखने की कि जिस तरह का म्यूज़िक, जिस तरह की क्वालिटी उस लेबल ने म्यूज़िकली लॉन्च किए है, क्या आपके सॉन्ग में भी वो क्वालिटी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो क्वालिटी अभी आपने अचीव नहीं की है तो कोशिश कीजिए अपने स्किल्स को पॉलिश करने की, अपने सॉन्ग्स को इम्प्रूव करने की, और उसके बाद ही आप उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने डेमोज भेजिए। क्योंकि होता क्या है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने स्टार्टिंग में जल्दबाजी में कुछ ऐसे गाने भेज दिए जो कि शायद प्रॉपरली रेडी नहीं है या फिर उस क्वालिटी के, उस स्टैंडर्ड के नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन वो हमेशा के लिए याद रहता है और शायद उसके बाद आपके अच्छे काम को भी लेबल रिप्रेजेंटेटिव सीरियसली ना ले। तो कोशिश कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने काम को देखिए और देखिए क्या लेबल जिस तरह के गाने लॉन्च कर रहा है, क्या आपका काम, आपके सॉन्ग्स एट पार उस क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड में मैच करता है कि नहीं करता है। आई एम श्योर आपको ये सारी टिप्स कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको टिप्स कैसी लगी और किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, पीस।